गोवा का नाम सुनते ही हम खुश हो जाते हैं। गोवा घूमने जाने की बात आते ही हमें मसालों की सुगंध, समुद्री किनारों पर मिलने वाले हवा के झोंकों तथा अरब सागर में दिखने वाले मनोरम डूबते सूरज को देखने के नज़ारे स्वतः ही याद आने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1961 से पूर्व गोवा भारत का हिस्सा नहीं था? तो आइए देखते हैं कि गोवा कब और कैसे भारत का हिस्सा बना। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और आज का एक भारत पंडित नेहरू और सरदार पटेल के अथक प्रयासों के कारण ही एक हुआ था, जो आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरा हुआ था। वो सरदार पटेल ही थे जिनकी सूझबूझ के कारण छोटी बड़ी 562 रियासतों को भारतीय संघ में समाहित कर दिया गया था। यही कारण है कि सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रांत थे जहां उपनिवेशी जड़ें इस कदर गहरी थी कि आज़ादी के बहुत सालों तक वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं थे। उनमें से एक था गोवा, जहां पुर्तगालियों का लगभग 450 सालों से शासन था। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, तब भी यहां पर पुर्तगालियों का ही राज था। भारत सरकार के बार बार अनुरोध करने पर भी पुर्तगाली यहां से जाने को तैयार नहीं थे। इस साम्राज्य के खिलाफ 1955 में सत्याग्रह भी हुआ, पर पुर्तगालियों ने क्रूरता दिखाते हुए 22 लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1961 में विजय नामक सैन्य ऑपरेशन का संचालन करते हुए गोवा को भारतीय संघ में विलय करा दिया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो बताया जाता है कि विजय नामक सैन्य ऑपरेशन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चला और फिर पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह गोवा आज़ाद हो गया। 30 मई 1987 को गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा अपने छोटे आकार के बावजूद शुरू से ही बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है। अपनी लोकेशन की वजह से यह अंग्रेज़ों को शुरू से ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इतना ही नहीं, मुगल शासन के समय भी राजा इस तरफ आकर्षित होते रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।